तो आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बाबा लक्कड़नाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के गांव बजिद्दा पहुंचे हैं, जहां पर बाबा लक्कड़नाथ जी के वो दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बाबा लक्कड़नाथ जी के धाम पर पहुँच चुके हैं, वहाँ पर वो उनके दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके साथ मौके पर हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और हरविंदर कल्याण जो गोंडा से विधायक है, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और तो आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजिद्दा गांव में पहुंचे हैं, यहां पर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं भगवान शिव के यहां पर दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कल मतदान होगा और मतदान से पहले आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी, आप देख सकते हैं भगवान शिव के दर्शन यहां पर करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। कल मतदान होगा और मतदान से पहले आप देख सकते हैं दर्शन यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बाबा जी के दर्शन यहां पर करते हुए आपको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नज़र आ जाएंगे। कल मतदान है और मतदान से ठीक एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर दर्शन करते हुए आपको यहाँ पर ज़रूर नज़र आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे हैं बाबा लक्कड़नाथ जी के दर्शन करने उनके बजिद्दा गांव में, और उनका आशीर्वाद यहां पर उन्होंने प्राप्त किया है। तो आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बजिद्दा गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो बाबा लक्कड़नाथ जी के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और लोग आप देख सकते हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और जय श्री राम के नारे यहां पर वो लगाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर बाबा लक्कड़नाथ जी के दर्शन करने के लिए उनके धाम पर पहुँच चुके हैं, बाबा जी का वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कल मतदान है और मतदान से पहले आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर आप देख सकते हैं बजिद्दा गांव में पहुंच चुके हैं और बाबा जी का वो आशीर्वाद यहां पर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बजिद्दा गांव में पहुंचे थे, बाबा लक्कड़नाथ जी के, बाबा धर्मनाथ जी के उन्होंने दर्शन किए और अब वो धाम से बाहर जाते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, कल मतदान होगा और मतदान से ठीक एक दिन पहले आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के प्रत्याशी बाबा लक्कड़नाथ जी के दर्शन करने पहुंचे, बाबा धर्मनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे बजिद्दा गांव में। और आप देख सकते हैं जय श्री राम के नारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने यहाँ पर लगते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कल मतदान होगा और फिलहाल मतदान से ठीक एक दिन पहले आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बाबा धर्मनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे, बाबा लक्कड़नाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे फ्लॉपी माई बाल वाले, क्या कहेंगे? देखिए मित्रों, बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जो अपने आप में पवित्रता का एक स्थल होते हैं। यहाँ जो हमारी जानकारी है, बाबा लक्कड़नाथ जी ने वर्षों पहले, जब ये इलाका जंगलों का इलाका होता था, उस समय तपस्या की, घोर तपस्या, और एक प्रकार की ऐसी तपस्या इन्होंने की कि आसपास के लोग अपनी मनोकामना को मनवाने के लिए यहाँ आने लगे। और वास्तव में उनकी सिद्धि इतनी थी कि लोगों की मनोकामना पूरी होती रही। और मुझे भी जब भ्रमण करते हुए जानकारी मिली कि यहाँ बजिद्दा जाटान में इस प्रकार का ये आश्रम है, बजिद्दा उड़ान में इस प्रकार का ये आश्रम है, तो मैंने अपने मन का संकल्प किया कि मैं पहले नहीं तो जो आखिरी दिन चुनाव से पहले का दिन है, आज चूँकि प्रचार अभियान उस प्रकार का नहीं है, तो आज तो केवल व्यक्तिगत मिलने जुलने का ही कार्यक्रम है। उसी नाते से मैं आज यहाँ आ करके और आशीर्वाद लिया है। इस समय जो बाबा चरण धर्मनाथ जी हैं और उनके शिष्य चरणनाथ जी भी हैं, तो इस प्रकार से उनसे आशीर्वाद लिया और बाबा जी, बाबा लक्कड़नाथ जी की समाधि के ऊपर उनके दर्शन किए, प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि विजयी भव इस प्रकार का जैसे होता है तो उनका सफलता मिलेगी। तो स्वाभाविक है, जनता की भी आस्था होती है और ऐसे स्थानों पर जनता को एक संकेत भी मिलता है, तो उस नाते से लोग इनके आशीर्वाद को पूरा करने के लिए जनता भी सहयोग। कल कितने बजे वोट डालने जाएंगे आप? सुबह मेरी
अच्छा तो यही है कि प्रातःकाल सबसे पहले ही जाकर के वोट 7 बजे के आसपास में पहुँचूँगा। 174 नंबर बूथ है, 902 नंबर मेरा वोट नंबर है प्रेमनगर में, जो आज मैंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो पोलिंग बूथ है आज उसकी जानकारी ली है। अब सवेरे आराध्य देवता जो है वो जैसा संकेत करेंगे वैसा पहुँच जाएंगे।